नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन की खास पेशकश खास मुलाकात पर। पर्व है गुरु पूर्णिमा का। ये एक दिन होता है जब हम हमारे जिंदगी में आने वाले सभी गुरुओं का नमन करते हैं। लेकिन क्या ये महज एक दिन परिपूर्ण होता है अपने गुरु का नमन करने के लिए? और जो गुरु हमें सिखाते हैं, क्या हम उसे अपने जीवन में हम उसको कर्म प्राप्त होते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें, क्या हम करते हैं? कई बार ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें रोज़ किसी ना किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें ज़िंदगी में गाइड करे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अड़चने आ जाती हैं, हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। ऐसी एक गुरु आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने कई लोगों को रास्ता दिखाया है, उन्होंने कई लोगों को सिखाया है, जो अपने आप में जब बात करती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर संचिता ब्रह्म भट्ट जी की, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। गुरु पूर्णिमा का पर्व है और जैसा मैंने कहा, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए कि गुरु का महत्व हमारे जिंदगी में क्या होता है। गुरु के बगैर तो कोई भी काम पूरा हो ही नहीं सकता, और कहते ही है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। तो अगर आप ये पूछेंगे कि मेरे जिंदगी में गुरु की बहुत महत्व है, हर रोज हर क्षण मुझे गुरु की जरूरत पड़ती है, और आज जो भी मैं हूँ, यहाँ पर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं मेरे गुरु के बदौलत हूँ। और आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन सभी गुरु का मेरा शतनस्त नमस्कार। बहुत जरूरी होता है कि हम अपने गुरुओं का नमन करें, हम अपने गुरुओं का अभिवादन करें। आपकी जो जीवनी रही है, आपने एक स्कूल टीचर से जीवनी की शुरुआत की और अब तक का सफर, तो इस सफर के बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल। कहते हैं कि काम तो इंसान ने, हर इंसान ने करना ही चाहिए। मैंने भी शुरुआत की थी उसी तरह से, लेकिन उसका जो चलन यहाँ तक पहुँचेगा ये कभी सोचा नहीं था। और मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता पिता, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे स्कूल से आगे बढ़ती गई और अलग अलग जगह में क्षेत्र में काम करती गई, वहाँ वह हर जगह में मुझे एक ऐसे इंसान मिले, एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हाथ पकड़कर सिखाया। मैं कोई ट्रेंड नहीं थी उस वक्त, जहाँ भी मैंने जॉब किया, जहाँ भी मैंने काम अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया, इस कहीं पे भी मैं उस तरह से परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन हर जगह में मुझे गुरु ऐसे मिले जिन्होंने बिल्कुल हाथ उंगली पकड़कर, हाथ थामकर मुझे मदद की, मुझे राह दिखाया। और हर बार एक ही चीज़ कहा गया मुझे कि तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो, मैं हम तुम्हारे साथ हैं। और वही प्रेरणा को लेकर मैं आज भी आगे बढ़ रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहेगा, आगे भी है और अभी भी है, तो उस प्रेरणा के साथ मैं अभी भी चल रही हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें कोई राह नहीं सूझती, चाहे वो किसी निर्णय लेने की बात हो या किस दिशा में जाना चाहिए ये बात हो, और खास करके मैं आपसे, आपको मैंने देखा है खास करके महिलाओं को मार्गदर्शन करते हुए, महिलाओं का जो सामाजिक स्थान है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आप ये चाहते कि इसका और महिलाओं का स्थान और सामाजिक स्तर पर थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, और वो कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, जो महिलाओं के स्थान आज से 100 साल पहले थी जी, उस वक्त हम महिलाओं के वाकई में हम उनके बहुत आदर करते थे, लेकिन एक दौर ऐसे आया जहाँ पर महिलाओं के जो इज्जत देने की बात करें या उनकी जो एक समझदारी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इज्जत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर उतरने लगी। बट आज का जो समाज है, आज का जो पढ़े लिखे जो वर्ग है, उस चीज़ों को वो महिलाएं आज भी उस चीज़ों को समझती है और इसीलिए वो आज सक्षम है, सशक्त है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। आज भी वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, कहीं ना कहीं तकलीफें हैं, और हम सबको मिलकर, आप हम, यहाँ पर कोई जेंडर नहीं बोलूँगी मैं कि आप नहीं कर सकते या सिर्फ औरतें ही कर सकते, हर किसी को सामने आकर उस मुहिम के लिए तैयार होना है और उन्हें आगे बढ़ावा देना है। क्योंकि कहते हैं कि एक घर में अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो जाए तो पूरे घर को संभाल सकती है या पूरे घर को सुशिक्षित कर सकती है। तो इसीलिए ज़रूरत है आज ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल लीडर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की, गुरुज की, जो हम सब मिलकर राह दिखाए और उन महिलाओं को हम सशक्तिकरण करें। ऐसे क्या एक प्रोसेस हो सकती है कि जो हम आज सीखते हैं कल उसको भूल जाते हैं, उसको भूले नहीं, उसको हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय तक उसको हम इम्प्लीमेंट करते रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
बहुत ही बढ़िया सवाल, मैं अभी कुछ देर पहले यही सवाल का जवाब देकर आ रही हूँ क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं और अपने गुरु से मिली जहाँ पर हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि आज का जो मेंटल स्टेटस है हमारे, इट इज़ वेरी टेम्पररी। मतलब टेम्पररी इसलिए कहूँगी क्योंकि जो भी हम सीखते हैं ना, वो मन से नहीं सीखते हैं, वो क्योंकि एक ड्यूटी है, सीखना है, आगे वाला सिखा रहा है तो हमें सीखना है, तो हम सीख रहे हैं। लेकिन जब हम उसे दिल से, ध्यान से, मन से सीखेंगे, बिल्कुल दिमाग से उसको यूटिलाइज करेंगे, तब जाकर हम उस, और उसके साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में लाएंगे। हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं करते, वो सिर्फ थ्योरी तक रह जाती है, किताबों तक रह जाती है, कॉपी कलम तक रह जाती है, वो अपनी निजी जिंदगी में या आने वाले जिंदगी के साथ हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं देते। और शायद यही वजह है कि वो सिर्फ धरा का धरा रह जाता है किताबों तक, वो आगे तक नहीं चलता। और यही वजह है कि आज के बच्चे या आज का जो जनरेशन है वो इसमें से काफ़ी कुछ जूझ रही है, काफ़ी तकलीफ से गुजर रही है, क्योंकि हम उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। और जिस दिन हमने दिमाग से, दिल से, अपने ध्यान से उसे अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर में लीडर्स होंगे, हर घर में मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे। शायद वहाँ पर आपकी और हमारी काम थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ऐसा अगर हो तो मैं तो समझता हूँ कि एक बेहतर देश निर्माण की तरफ हम चल सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ में संचिता ब्रह्मट जी, जो हमें बता रहे थे कि जिंदगी में हमें अगर आगे बढ़ना है तो किस तरह से हमें सिर्फ सोच पर निर्भर ना रहते हुए हमें उस, जो हमने सोचा है, जो अच्छी बातें हमने सोची, जो हमें गुरु ज्ञान मिला है, हम उसको अपनी जिंदगी में जितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे उतना हम बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने आज हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की स्टूडियो में। थैंक यू।